इसी तरह दिव्यांगों को भी क्रिकेट के प्रति बढ़ावा देने के लिए BCCI द्वारा देश भर में नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में भी 8 से 14 नवंबर तक इंदौर के एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में टूर्नामेंट का आयोजन रहेगा। इसमें मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों के दिव्यांगों की टीमें भाग लेंगी। खास बात यह है कि इसमें इंदौर के भी 8 खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट के लिए BCCI की स्पेशल विंग DACCI इनमें से अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों का दिव्यांगों की भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चयन करेगी। चयन के लिए अभी दिव्यांगों की एक सीरीज लखनऊ में चल रही है। यह टूर्नामेंट अलग अलग राज्यों के साथ रणजी ट्रॉफी की तरह जोनवार हो रहा है। इसमें सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान की टीमें रहेंगी। ऐसे ही नॉर्थ जोन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की टीमें रहेंगी। इस तरह 4 से 5 राज्यों की एक टीम बनेगी। कुल 21 राज्य हैं जिनमें भारतीय टीम तैयार होगी। टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आने वाले खिलाड़ी राव स्थित इंद्रप्रस्थ होटल में ठहरेंगे। इस बड़े और रोचक टूर्नामेंट को इंदौर में आयोजित कराने व दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह व निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल की खास भूमिका है। आपको बता दें कि टूर्नामेंट का आयोजन मुख्य रूप से रोटरी क्लब ऑफ इंदौर आदर्श द्वारा किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्ष मोनिका ज्ञानेन्द्र पुरोहित, लायंस क्लब ऑफ इंदौर शताब्दी की अध्यक्ष पुष्पा शर्मा सहित अन्य संस्थाओं का भी सहयोग रहेगा। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।